Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. Today, 6 February 2019, Wednesday है. आज सुबह के 7:51 हो रहे हैं. कल हमने देखा कि बजट सेशन के बाद दूसरा ट्रेडिंग सेशन था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा साइडवेज पैटर्न देखने को मिला. ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है बजट सेशन के बाद भी. तो कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है 7 February, तो हो सकता है वो एक ट्रिगर पॉइंट हो. ठीक है, तो आज क्या हो सकता है निफ्टी इंडेक्स में, क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकती है, देखेंगे, एनालिसिस करेंगे. लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करेंगे. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 5 February आफ्टर मार्केट आर्स, ये पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने कल का हमारा वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आए बटन में उसकी आपको लिंक मिल जाएगी. तो कल के स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर बढ़ता है निफ्टी, तो हमारा ब्रेकआउट लेवल था 10,955 और ब्रेकडाउन लेवल था 10,884. तो आप जैसे कि देख रहे हैं, ये वर्टिकल लाइन के राइट साइड का डेटा हमें कल का कैंडलस्टिक का ये जो डेटा है, तो हमें कल का हाई लो ओपन क्लोज प्रेजेंट कर रहा है. ये आर्ली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कल हमारा ये जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल था, ये एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इसने काम किया. काफी एक्यूरेट साबित हुए. सो मॉर्निंग में ये जो लेवल था ब्रेकडाउन, यहाँ पर एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, ये ब्रेक नहीं हो पाया. और जैसे ही टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ा, तो एग्जैक्ट 10,955 यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस का काम किया. तो कल के ये दोनों लेवल्स एक्यूरेट साबित हुए, ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट लेवल. हालांकि कल के स्ट्रेटेजी के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बना. ठीक है, तो ये है कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. तो चलते हैं ग्लोबल मार्केट से शुरू करेंगे. कल अमेरिकी बाजार नासडैक और डाउ जोन्स में जबरदस्त बढ़त देखने को मिली. यूरोपियन मार्केट भी हरे निशान में बंद हुए. आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं, तो जापानीज मार्केट, चाइना मार्केट, हांगकांग मार्केट हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं. डाउ फ्यूचर की बात करें तो 24 पॉइंट की अभी बढ़त दिखाई दे रही है. एसजीएक्स निफ्टी देखे तो 51 पॉइंट की बढ़त अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं. तो क्या हो सकता है निफ्टी में आज, देखते हैं, एनालिसिस करते हैं. चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर. वीकली चार्ट से शुरू करेंगे. वीकली चार्ट में लास्ट वीक के जो 10,882 ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है, जो कि हर्डल का काम कर रहा था कई सारे हफ्तों से, तो इसके ऊपर लास्ट वीक क्लोज मिला था. अभी निफ्टी इंडेक्स दो ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं इस वीक के, और इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है. हालांकि लास्ट वीक का हाई अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया. ये जो 10,985 का लेवल है, ये यहाँ पर तीन बार निफ्टी इंडेक्स ने रेजिस्टेंस फेस किया है. तो जैसे ही ये अगर ब्रेक होता है कंफर्टेबली, तो हमें नेक्स्ट लेवल जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, जो कि अराउंड 11,089 के पास है. नीचे सपोर्ट 20 EMA जो कि अराउंड 10,800 और 50 EMA ये जो ब्लू लाइन 10,700 के पास, यहाँ पर दो सपोर्ट लेवल्स हैं. ठीक है, अभी स्ट्रक्चर बुलिश है, लेकिन ये जो साइडवेज पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट मिलना बहुत जरूरी है. ऊपर 10,985 ये कंफर्टेबली ब्रेक होगा, तो ऊपर 11,000 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, वो भी अगर ब्रेक करता है, तो हमें 11,089 के लेवल्स यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं. और यहाँ से अगर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का पॉजिटिव आउटकम आता है, तो हमें नेक्स्ट फिर से एक बार 11,760 के आसपास निफ्टी दिखाई दे सकता है. ठीक है, तो ये है वीकली चार्ट का सिनारियो. डेली चार्ट में देखते हैं. डेली चार्ट में भी देखें तो स्ट्रक्चर अभी बुलिश बन रहा है. ऐसा क्यों कहा जा सकता है, क्योंकि 20, 50 और 100 ये जो तीनों लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म मूविंग एवरेजेस हैं, वो अभी असेंडिंग ऑर्डर्स में आ रहे हैं, और इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है. हालांकि जो फ्राइडे का हाई और ये जो लो है, ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, इनसाइड बार ट्रेडिंग चल रहा है. ठीक है, तो एज पर डेली चार्ट यहाँ पर 10,985 का एक हर्डल है, ये अगर ब्रेक होता है, तो वो हमें ऊपर में 11,089 के लेवल दिखाई सकते हैं. ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया था, अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं, तो ये जो बॉटम्स को पकड़ के हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, इसने जब इस सपोर्ट का काम किया था, तो अभी ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है. तो ऊपर अराउंड 11,089 टू 11,150 के आसपास एक रेजिस्टेंस हो सकता है, अगर 10,985 को अगर कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो. ठीक है, और यहाँ पर नीचे 20, 50, 100 के मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बनाया था, सिग्नल मिला था, कंफर्मेशन हमें चाहिए था, लेकिन कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर एक बियरिश कैंडलस्टिक यहाँ पर नहीं बना.
यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर से एक बार बाउंस बैक हुआ है। हालांकि अभी भी इनसाइड बार ट्रेडिंग चल रहा है, फ्राइडे के हाई और लो के अंडर ये ट्रेड हो रहा है। तो निफ्टी में अगर लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो 11,000 के लेवल्स अगर कंफर्टेबली ब्रेक होते हैं, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए हम सोच सकते हैं। ठीक है, ये है वीकली और डेली चार्ट का एनालिसिस। देखा हमने कि बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है। अभी एक बार 120 मिनट यानी 2 आवरली चार्ट में देखते हैं। कल भी हमने यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी दिखाई थी, पॉसिबिलिटीज दिखाई थी। यहाँ पर 2 आवरली चार्ट में एक पैटर्न बनाई दे रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये यहाँ पर राइट शोल्डर। अभी यहाँ पर अगर ये नेक लाइन ब्रेक होता है, कंफर्टेबली अगर ये ब्रेक होता है नेक लाइन, तो यहाँ से हमें सुपर एक अपवर्ड जर्नी यहाँ से दिखाई दे सकती है। अगर 10,965 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है तो आने वाले समय में हमें यहाँ पर एक अपवर्ड जर्नी दिखाई दे सकती है। ठीक है, ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो कि बुलिश पैटर्न इसे कहा जाता है। 2 आवरली चार्ट में भी क्लियर यहाँ पर बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है, 20, 50, 100 और इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अभी चलते हैं 60 मिनट यानी आर्ली चार्ट के ऊपर, क्विकली इंट्राडे स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अगर निफ्टी इंडेक्स ये जो R1 का पिवट पॉइंट का लेवल है इसके ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन करता है 5 या 10 मिनट के चार्ट में, तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,984, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,000 हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ठीक है, और अगर निफ्टी निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है, ठीक है, तो ये जो पिवट पॉइंट का ये जो लेवल है 10,925, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है 5 या 10 मिनट के चार्ट में, तो ये हम इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,895, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 10,855। ठीक है, तो ये थी आज के लिए इंट्राडे लेवल्स, इंट्राडे स्ट्रैटेजी। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।